Yeah. Uncle B. Yeah. Hit the door headshot. वाह क्या मजा आया नहा के। सच में बहुत अच्छा है मौसी का घर। अरे हेयर ड्रायर भी है, लगता है ये नहाने गया है। प्रसाद हे गटर के कीड़े क्या बाहर आ जा, मुझे नहाना है। दीदी तू बाहर में जा। आना जल्दी बाहर, मुझे नहाना है। तड़ा वैसे तो 5 मिनट में नहा के आता है, इधर 1 घंटा क्यों बिताया? बाथरूम ही ऐसा है। क्या है ऐसा बाथरूम में? तू जाके देख, 1 घंटे के बजाय 3 घंटे बिताएगी। ओ नो, इतनी बार बोलती हूँ, पानी हर जगह उड़ाया है पानी इसने। छी ये कब सुधरेंगे भाई। हे अथर्व तुझे जाना नहीं करना आने के लिए? मैं रात को ही नहाता हूँ, हम दिन में नहीं नहाते। हम दिन भर काम करते और रात को नहाते। छी दिन भर वैसे ही रहते हो। हाइजीन नाम का कोई चीज है कि नहीं? वैसे बाथरूम काफी अच्छा है, इसको कहाँ रखूँ मैं? अरे नल नहीं है यहाँ पे, हमें तो रोज बकेट की आदत है। हाँ शावर है, मैं भी चल क्यों नहीं रहा? चल क्यों नहीं रहा? पानी चला गया क्या? पानी चला गया होगा, इसको बुलाते। प्रसाद ओए कीड़े, सुपरमैन इज हियर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अंदर आके देख वो क्या हो गया, पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। क्या बात कर रही तू, मैं जब ना आ रहा था तो फुल प्रेशर में आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, जब भी मेरा नंबर आता है ऐसा ही होता है। देख आके ये देख, तुझको झूठ लग रहा है ना? पूरा पूरा मैंने घुमाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूरा घुमाया, कुछ नहीं हुआ। पानी बंद हो गया? ये नहीं बंद हुआ, तेरे दिमाग को जंग लगा है जंग। मैंने काले कुत्ते बहुत मारूंगा तुझे। वो जो दिख रहा है ना, कुछ नहीं होगा, ऐसा कर। छोटी गुड मॉर्निंग दीदी, हो गई आपकी सुबह 3 करोड़ के घर में, बहुत अच्छी हुई भाई। बैठो ना, तू मेरी सासू माँ का है? अरे आ गई, देखो बैठो बैठो। हेलो मौसी, गुड मॉर्निंग मौसी। ओहो आ जाओ। छोटी राघव के पापा क्या हमसे नाराज है, मिलने नहीं आ रहे? मैं देखती हूँ जरा। दीदी आप ब्रेकफास्ट करने बैठ जाओ, मैं आती हूँ। तू भी आना ब्रेकफास्ट करने, हम नहीं शुरू करेंगे तब तक जब तक तू नहीं आएगी। हो गई है सुबह, उठ जाइए। तुम्हारी बहन है अभी भी? अच्छा सुनिए, फ्रेश हो जाइए और आज हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। कल भी आप लेट आए थे, दीदी से मिल नहीं पाए, आज अच्छे से मिल लेना। जाइए फ्रेश होइए। नहा रहे हो क्या? नहीं मुंह धो रहा हूँ। दीजिए सब फेंक दीजिए, एक दिन मुझे भी फेंक दीजिए बाहर। सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ दीदी। यस व्हाट? मुझसे पहले साइन कैसे कर दी? आई हैव टू सी द डॉक्यूमेंट फर्स्ट, आई टेल यू, आफ्टर दैट आई विल साइन। हाउ कैन यू साइन फर्स्ट? नो 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 नो, लिसन टू मी, हाउ कैन यू साइन दैट? क्या हुआ? इल्ज टॉवल इधर है, तुम ही पूछो उससे। अच्छा सुनिए, दीदी और ये सब आपका वेट कर रहे हैं, आइए बाहर खाना खाइए। फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। शुरू हो गया क्या इनका फिर से? दीदी आप ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए ना। बुला उनको भी, क्या बात है।
लो आ गए। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आ जाइए थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नो एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाता हूँ। फैमिली से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फैमिली का पेट भरने के लिए भी काम ही करना पड़ता है, और मैं बस अकेला हूँ इस घर में काम करने वाला। बाकी तो क्या, फ्री में खाते है? हाँ मैं फ्री खाती हूँ ना। श्रेया अथर्व को अंदर लेके जा। हाँ अथर्व चल। उर्मिला लिसन, तुम्हारी बहन आई और मैं नहीं चाहता फिर से कोई तमाशा हो। वाह, आई एम डूइंग तमाशा। व्हाट यू डू रात को, दैट वाज वेरी मच बिग तमाशा। ओके, पी के घर आई पड़िंग, दैट इज द बिग तमाशा। उर्मिला, ये सब इन क्या क्यों करने की बात है? करने तो मुझे बात कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी है वो मेरी, उनको भी जरा देखने दो क्या चल रहा है यहाँ पे। शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो, ऐसा लड़ाई मत करो, बच्चे भी है। रोज घर को आते हो, पी के पढ़ते हो। टेंशन होगा, टेंशन आदमी के दिमाग में, तुम क्या समझोगी टेंशन? डू यू हैव एनी टेंशन? डू यू हैव एनी टेंशन? नो यू डोंट हैव एनी टेंशन, बिकॉज यू आर गिविंग टेंशन अदर्स। तुम दूसरों को टेंशन देती हो। तुम्हें कहीं का टेंशन होगा? एंजॉय एंजॉय एंजॉय, महीने के महीने 4-5 लाख तुम ऐसे उड़ा देती हो। क्रेडिट कार्ड का बिल तुम्हें नहीं मुझे भरना पड़ता है, समझ गई ना? दीदी देखो, he want to say कि मुझे कहीं पे काम करना जाना चाहिए, मैं घर पे बैठ के फ्री में खाती हूँ, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ये तुम्हारी गलत फैमिली है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि तुम काम करो, बट तुम कम से कम मुझे सुख चैन से जीने तो दो। क्या सुख चैन से जीने नहीं दिया मैंने आपको? हर हफ्ते तुम्हें कहीं घूमने को जाना है, एंजॉय करना है, पैसे उड़ाने हैं, शॉपिंग हर हफ्ते 5 लाख के नीचे नहीं आती आपकी। अगर पैसे आ रहे तो उनकी कदर करना कब सीखोगी तुम? आप बड़ी कदर करते हो। करता हूँ, तुमसे तो ज्यादा ही करता हूँ मैं कदर, इसीलिए 3 करोड़ का घर मैंने बनाया है। मिस्टर, ये जो 3 करोड़ का घर है ना, एंड व्हाटएवर जो इसका सामान है ना, वो बस मेरी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ मी। मैं तुम्हारे घर में आई और तुम्हारी बरकत शुरू हो गई, सब मेरी वजह से है। रिपीट रिपीट अगेन। ये जो कुछ भी है ना, वो मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे घर में लक लेके आई, गुड लक, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, यू आर इन लक। वाह, पैसे लगे ही नहीं, ये बिना पैसों के बन गया क्यों? एवरी टाइम कुछ भी क्रेडिट हो, कुछ भी, तुम लेती हो क्रेडिट। मुझे कहीं पे बोलने नहीं देती, हर जगह मुझे शट अप करती हो। करती है कि नहीं मुझे ये शट अप? हर बार तुम मेरे डिसरिस्पेक्ट करती हो हर जगह। वाह वाह वाह, अगर ऐसी बात है ना, ठीक है, हो जाते हैं हम अलग, दो मुझे डाइवोर्स, फाइन, ओके ओके, यू वांट ना, ओके, आई विल गिव यू टुडे डाइवोर्स पेपर, यू साइन, आई आल्सो साइन, करते हैं डाइवोर्स। ओए मैनर्स लेसो, डाइवोर्स करना ही था तो बच्चे कच्चे करने की क्या जरूरत थी? उनका क्या होगा तुम लोगों का डाइवोर्स होने के बाद? उनको बेचारों को क्यों चक्की की तरफ पीस रहे हो? और नहीं तो क्या? बोलो, किसके साथ रहेंगे बच्चे? एक मेरे पास रहेगा, किसके पास रहेगा? वाह, क्या गलती है उनकी, एक से माँ का साया छीन रहे हो, दूसरे से बाप का साया छीन रहे हो, और ये 3 करोड़ के घर का क्या, 2 करोड़ की गाड़ी का क्या? गाड़ी मैं रख लूंगा, घर इसको दे दूंगा। अच्छा, तो आपको गाड़ी में बड़ा सुख मिलेगा। तो इस घर में रह के भी किसे सुख मिल रहा है? ना मुझे मिल रहा है, ना इसे मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है। आपको देखिए, आप कितने अच्छे से रहते हो सब। आपका तो 3 करोड़ का घर भी नहीं है, इधर हमारा इतना बड़ा घर, आलीशान, सब कुछ, हर जगह पे सब कुछ, पर सुखी नहीं है। देखो राघव के पापा, घर 3 करोड़ का हो या 3 लाख का, उसके अंदर की खुशी पैसों से नहीं आती, बल्कि उस घर के अंदर जो लोग रह रहे उनके रिश्तों से घर बनता है, ना कि पैसों से। जितने मजबूत रिश्ते उतना मजबूत घर। भले हमारा घर 3 करोड़ का नहीं है, पर उसके अंदर की जो रिश्ते नाते हैं ना, वो अनमोल है, जिनका कोई मोल नहीं है। हम हमेशा प्यार से रहते, हंसी खुशी रहते हैं, घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। आप किसी झोपड़ी में रहो या 3 करोड़ के घर में, सुख अगर आपको चाहिए ना, तो रिश्तों के बीच बस मिठास होनी चाहिए, सुख अपने आप आ जाता है। आप दोनों ने कभी सोचा है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? रागों का छोड़ दो, उसको तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आते वह बचपन में जब ऐसा हो जाता है ना, बार बार चीजें देख देख के परिणाम हो जाते हैं बच्चों के सिर के ऊपर।
लगो लगो गले लगो, मत शर्माओ बेशर्मो। सॉरी, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मैंने कहा ना आपको इतना वर्कलोड होता है, फिर भी वो मैं कभी समझ नहीं पाए। आप घर आते हो तो मैं हर बार ये लेना है वो लेना है करती रहती हूँ, और बहुत खर्चा भी करते हो। मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ बोला, और ये भी बोला कि तुम बस खाती हो, घर में कुछ नहीं करती। इनफैक्ट तुम बच्चों को संभालती हो, पूरे घर को देखती हो, शाम को पीने के बाद मुझे संभालती हो। आप कभी मुझे अपने ऑफिस के प्रॉब्लम्स नहीं बताते ताकि मुझे चिंता ना हो, मैं अच्छे से रहूं। आई प्रॉमिस यू, आई रियली प्रॉमिस, ये आगे से मैं जो भी खर्चा है वो कम करूंगी, ज्यादा करूंगी ही नहीं। मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा कि भले कितना भी टेंशन क्यों ना हो, प्रेशर आपको हाथ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा आके, बस तुम मुझे टेंशन मत देना। अथर्व, आजा आजा आजा, जा अथर्व, सब ठीक हो गया, जा जा। इधर दो। अच्छा एक काम करते, दोनों मिलके शांत करते।